यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से अखिल भारतीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यूजीनियस 3.0 राष्ट्रीय स्तर की सामान्य जागरूक प्रतियोगिता के लिए आज जयपुर में रीजनल राउंड प्रतियोगिता आयोजित की गई। आंचलिक कार्यालय जयपुर की उप महाप्रबंधक कविता श्रीवास्तव ने बताया कि देश भर में 48 सेंटरों पर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता का उद्घाटन माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने किया। इस मौके पर कविता श्रीवास्तव ने बताया कि रीजनल राउंड प्रतियोगिता में सेलेक्ट होने वाले बच्चे जोनल राउंड में भाग लेंगे। बदलते परिवेश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दौर में जो क्विज कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो बच्चों को अप टू डेट रखते हैं, वो एक तरह से मोटिवेट करते हैं बच्चों को जनरल नॉलेज और सराउंडिंग्स के बारे में जानने के लिए। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, चाहे वो कैट के इंटरव्यूज़ का हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि लोगों को अपने सराउंडिंग्स के बारे में जानना ज़रूरी होता है, जनरल नॉलेज की अवेयरनेस होना ज़रूरी होता है। तो इन चीज़ों को मोटिवेट करने से बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है और उनको एक एक्सपोजर का मौका मिलता है। इस चीज़ के लिए मैं यूनियन बैंक की पूरी टीम को बधाई दूंगा और उम्मीद करूंगा कि हमारे जयपुर से, राजस्थान से, जो दूसरे उदयपुर सेंटर में भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट होकर के नेशनल लेवल तक पहुँचें और राजस्थान का नाम रोशन करें। इस अवेयरनेस क्विज का मतलब ये है कि बच्चों को नॉलेज के प्रति एक अवेयरनेस जगाना और टू अनलॉक द जीनियस इन देम, ये हम पिछले 2 सालों से कर रहे हैं। इस साल ये तीसरी बार हम कंडक्ट कर रहे हैं देश में, और अभी जयपुर में जैसे वैसे 48 सेंटर्स में देश में हो रहा है। इसका अभी सेकेंड फेज होगा, सेकेंड स्टेप होगा, फिर मेगा जो इसका फिनाले होगा वो मुंबई में होगा, जिसको कि विनर्स को उनको कुछ प्राइजेज अवार्ड्स मिलेंगे और उनको रिकग्निशन मिलेगा।